ओम शांति। आज की तारीख है 14/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे। बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, ये रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रश्न है, प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर है, प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वो सब सुदामा मिसल बाप के हवाले करो। दिखाते हैं ना कि सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है और अपना सब कुछ इंश्योर करना है। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। नंबर दो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, बाप के इस डायरेक्शन पर चल, मंदिर लायक बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप, अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। मुझे ही सहन करना है, समर्थ आत्मा यही समझती है कि ये मरना नहीं लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। स्लोगन है, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।